Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I am going to share two types of DIY table lamp ideas. जो देखने में है जितना खूबसूरत उसे बनाना है उतना ही सिंपल। अपने आसपास इजीली अवेलेबल आइटम्स को यूज़ करके आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाई है। फर्स्ट टेबल लैम्प के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ लैम्प फिटिंग्स, जिसके लिए इस टाइप की दो कार्डबोर्ड की सर्कुलर शेप लेके दोनों को आपस में मैं ग्लू की मदद से स्टिक कर दूंगी, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बल्ब की होल्डर रखा जाता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कुछ बैम्बू स्क्यूअर्स और मैंने लिया है एम्ब्रॉयडरी हुप। इस हुप की जो इनर सर्किल है, इस टाइप की दो सर्किल मैंने लिया है। हुप की जो सर्किल है उसके मिडिल में कार्डबोर्ड की सर्किल मैंने रखी है और अभी मैं बैम्बू स्क्यूअर को रख के इस तरह से एक मेजरमेंट ले रही हूँ और इस मेजरमेंट की 8 स्टिक्स मैं अभी कट करके लूँगी। नेक्स्ट कुछ इस तरह से सारे स्टिक्स को रख के दोनों रिंग के साथ अटैच करना है, ताकि एक व्हील जैसी शेप बन जाए। तो अभी ये जो कार्डबोर्ड की रिंग है इसे मैं मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एमसिल। इन दोनों को आपस में एक साथ मिक्स करके एक डो जैसी बनानी है और कार्डबोर्ड के रिंग के ऊपर इस एमसिल की मिक्सचर की एक थिक लेयर मैं लगाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कार्डबोर्ड की रिंग के ऊपर एक थिक एमसिल की मिक्सचर लगा दिया है और अभी मैं यहाँ पे मिडिल पे इस रिंग को रख रही हूँ और इसके बाद एक के बाद एक बैम्बू स्टिक्स को कुछ इस तरह से एमसिल मिक्सचर के अंदर इंसर्ट करते जाना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे एम्ब्रॉयडरी हुप के अंदर फिक्स करना है। इसके लिए सारे स्टिक्स की फ्री एंड पे मैं थोड़ी थोड़ी करके एमसिल मिक्सचर लगा रही हूँ और इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रॉयडरी हुप के अंदर मैंने फिक्स कर दिया है और एमसिल मिक्सचर को अच्छे से हुप के साथ अटैच कर दिया है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं कुछ घंटे रख दूंगी, ताकि ये एमसिल की जो मिक्सचर है अच्छे से ड्राई होके स्ट्रॉन्ग बन जाए। दो घंटे बाद आप देख सकते हैं ये व्हील स्ट्रक्चर अच्छे से ड्राई होके स्ट्रॉन्ग बन गई है। अभी इसे कलर करना है, तो ये दोनों रिंग को मैं एशियन पेंट की गोल्डन मेटालिक कलर से कलर कर रही हूँ। फिटिंग्स रेडी है, अभी मैं बनाऊंगी लैम्प शीट, जिसके लिए मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट शीट। दो शीट्स मैंने यहाँ पे लिया है लेंथ के हिसाब से। मुझे थोड़ी सी लंबी शीट चाहिए, इसके लिए दोनों शीट्स को एक के बाद एक रख के दोनों शीट्स की फ्री एंड को स्टेपलर की हेल्प से मैं अटैच कर रही हूँ। आप
आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे मैंने स्टेपल कर दिया है। अभी ये जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे मैं सेलोटेप लगा दूंगी। नेक्स्ट इस ट्रांसपेरेंट शीट की एक साइड फैब्रिक से कवर करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन गामछा फैब्रिक, जिसे हम बंगालीज आफ्टर शावर टॉवल की तरह यूज़ करते हैं। तो इस गामछा फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले मैं इस शीट को रख के साइज़ के अकॉर्डिंग काट लूँगी। उसके बाद हॉट ग्लू हो या फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट शीट की एक साइड मैंने गामछा फैब्रिक से कवर कर दिया है। अभी इसके साथ लैम्प फिटिंग्स को अटैच करके एक सिलिंड्रिकल लैम्प शेड की स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, जिसके लिए इस ट्रांसपेरेंट शीट को मैंने उल्टा करके रख के दोनों एज पे हॉट ग्लू लगाई है और उसके ऊपर दो एम्ब्रॉयडरी हुप्स को अटैच कर दिया है। इसके बाद इस तरह से हॉट ग्लू को आगे लगाते जाना है और उसके ऊपर रिंग को इस तरह से आगे रोल करते जाना है ताकि ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाए। हॉट ग्लू से फिक्स करने के बाद डबल प्रोटेक्शन के लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी रिंग्स को शीट के साथ इस तरह से स्टिच कर दिया है ताकि कभी भी ये खोल के ना आ जाए। तो ये लैम्प शेड अभी रेडी है। तो चलिए चलते हैं टेबल लैम्प की बेस को अभी रेडी करते हैं। टेबल लैम्प की बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टेराकोटा की ये छोटी सी एक मटका। मटके के ऊपर इस तरह से मैंने मास्किंग टेप को लगा दिया है और इस मटके के नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं इस पेस्ता ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। ग्रीन और वाइट कलर को मिक्स करके मैं इस कलर को क्रिएट किया है। एक्राइलिक पेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अपर पोर्शन में मैं कर रही हूँ टेरा कोटा कलर, ब्राउन एंड ऑरेंज कलर मिक्स करके मैं ये कलर बनाई है। तो कलर हो चुकी है। अभी ये जो मास्किंग टेप है इसे मैं रिमूव कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस टाइप की जूट रोप। मेरी एक पुरानी जूट की बैग से मैंने इसे लिया है। जिस पोर्शन में मैंने मास्किंग टेप लगाई थी वहाँ पे मैं इस जूट रोप को लगा दूंगी ग्लू की हेल्प से। कि
की अपर पोर्शन में मैंने इस टाइप की लीव्स की डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं। अभी मैं वाइट एक्राइलिक पेंट से इस डिज़ाइन को हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक की लीड और जिसकी आउटसाइड एरिया को मैंने इस तरह से जूट थ्रेड से कवर कर दिया है। तो चलिए अभी इस लैम्प को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस लीड को रखा है और उसके ऊपर मटके को मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बल्ब होल्डर विथ वेयर, जिसे मैं सिंपली एक जूट थ्रेड से कवर कर दिया है और इसे मैं लैम्प शेड के अंदर इंस्टॉल करूँगी। इनर जो रिंग है यहाँ पे मैंने बल्ब विथ होल्डर को रख दिया है और इस लैम्प शेड को मैं अभी मटके के ऊपर जस्ट बिठा दूँगी। इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है और इस लैम्प की एक ख़ास बात ये है कि इसे आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये शेड को आप रिमूव कर ले और एज ए वास इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर डेकोरेटिव स्टिक्स या फ्लावर स्टिक्स रख सकते हैं, या फिर इसे इस तरह से रख के एज ए शो पीस आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख लेते हैं लाइट ऑन करने के बाद इस लैम्प की फाइनल लुक। सेकेंड टेबल लैम्प के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी हुप्स की दो इनर रिंग्स, ट्रांसपेरेंट शीट एंड बर्लप फैब्रिक। सबसे पहले इन दोनों रिंग्स को जूट थ्रेड से मैं कवर कर दूंगी, तो कुछ इस तरह से ये दिख रही है। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट शीट को पिछली बार की तरह इस बर्लप फैब्रिक से वन साइड कवर करना है। यहाँ पे मैं ग्लू ना यूज़ करके स्टेपलर यूज़ करूँगी और इस फैब्रिक को शीट के साथ लगा दूँगी। अभी ये शीट रेडी हो गई है यूज़ करने के लिए। पहली लैम्प की तरह इस बार भी इन दोनों रिंग्स को इस शीट की दोनों एज पे लगा के एक सिलिंड्रिकल शेप क्रिएट करना है, तो इसीलिए ठीक इस तरह से इसे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से हॉट ग्लू को ना यूज़ करके डायरेक्टली मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इस तरह से मैं दोनों साइड पे रिंग्स को स्टिच करते हुए लगाऊंगी। तो ये बर्लप फैब्रिक से बनी लैम्प शेड बनके रेडी हो गई है। अभी इसे करना है डेकोरेट। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रेस्ड ड्राई फ्लावर्स एंड लीव्स। मेरे पास बोगेनविलिया फ्लावर्स के कुछ ड्राई प्रेस्ड पेटल्स है और उसके साथ है कुछ बोगेनविलिया की ड्राई प्रेस्ड लीव्स। तो इन सारे चीज़ों को मैं ग्लू की हेल्प से लैम्प शेड के ऊपर एक पैटर्न बना के स्टिक कर दूंगी। लैम्प शेड के ऊपर अभी अपने मनपसंद पैटर्न बना के इन सारे लीव्स एंड पेटल्स को मैं स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविकॉल ग्लू। अगर आप चाहते हैं तो रैंडमली भी इन्हें स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से
मैं ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी मैंने सारे पेटल्स एंड लीव्स को स्टिक कर दिया है और ये इन्हें लगाने के बाद ये लैम्प शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ये जो पेटल्स की और लीव्स की कलर है ये थोड़ी सी फेड हो गई है, तो कोई बात नहीं है, इसके ऊपर आप एक्राइलिक कलर को यूज़ करके पेटल के ऊपर एंड लीव्स के ऊपर कलर कर सकते हैं, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ लैम्प फिटिंग्स की तैयारी, जिसके लिए लिए है कार्डबोर्ड की ये एक रोल और वुडन कोस्टर। अभी इस कार्डबोर्ड की जो रोल है इसे कोस्टर के मिडिल पे हॉट ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर देना है। नेक्स्ट इस रोल के अराउंड फेयरी लाइट्स को इस तरह से मैंने लगा दिया है और इस पूरे स्ट्रक्चर को अभी मैं ढक दूंगी मेरी बनाई हुई लैम्प शेड से। तो बहुत इजीली बनके रेडी है ये एक क्यूट सी टेबल लैम्प। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड फेयरी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये लाइट अवेलेबल है, इसलिए मैं इस ग्रीन लाइट को यहाँ पे यूज़ किया है। और आज की इन दो DIYs में मैं जो भी आइटम्स यूज़ किए हैं उनकी अगर ऑनलाइन परचेस लिंक्स मुझे मिलती है तो सारे लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आज की ये दो DIY टेबल लैम्प्स की आइडिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस टाइप की DIY आइडियाज़ की वीडियोस देखना है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे होम एंड स्टे सेफ।